नमस्कार भैया बहनों, मैं आपकी हिंदी की विषयाचार्य, मेरा नाम श्रीमती गीता पाठक है, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आज हम अपनी हिंदी किताब की पहली कविता, पहला पाठ पढ़ेंगे। हमारी कविता का नाम है कक्कू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू, यानी वो लड़के का नाम क्या है? कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, कक्कू माने वैसे तो कोयल होता है, लेकिन यह तो दिन भर रोता, लेकिन जो कक्कू लड़का है वो दिन भर रोता रहता है, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, हम इसको चिढ़ाते हैं और क्या कहते हैं इसको? सक्कू। और नाम है उसका कक्कू। अब हम आगे देखेंगे। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। अब वो कह रही कोयल माने कोयल, देखो यहाँ पे कोयल बनाई है, कोयल माने मिश्री जैसी, क्योंकि कोयल जो गाती है वो क्या गाती है? मीठी बोली, तो उसकी मीठी बोली मिश्री जैसी होती है। यह तो जाता भड़क, अगर हम जो कक्कू से थोड़ा सा भी मजाक करते हैं, थोड़ा सा भी ठिठोली करते हैं, तो क्या करते हैं? वो भड़क जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, इसीलिए हम उस कक्कू को कभी कभी क्या कह देते हैं? भक्कू। अब आगे देखेंगे। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वो कह रही है जो गाना गाए, कक्कू जो लड़का है वो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, कक्कू वो होता है जो गाना गाता है, बात बात में जो चिढ़ जाता है, रहता मुँह जो सदा फुलाए, जो अपने गुस्से से क्या करता है? मुँह को हमेशा फुलाए रखता है, गाना जिसको जरा आना है गाना, लेकिन उसको बिल्कुल भी गाना गाना नहीं आता, ऐसे झगड़ालू यानी जो ऐसा झगड़ा करता है, उसको हम अब से क्यों ना हम उसे झक्कू कहें। नाम है उसका कक्कू। वो इस कविता में कह रहा है कि कक्कू कौन है? एक लड़का है। वैसे कक्कू माने क्या होता है? कोयल होता है, कोयल मीठी बोली मीठा गाना गाती है, लेकिन जो कक्कू है वो दिन भर क्या करता है? रोने में रहता है, उससे अगर हम मजाक करते हैं तो उसको क्या होता है? गुस्सा आ जाता है, वो बात बात में चिढ़ जाता है, जो अपना मुंह गुस्से से हमेशा फुलाए रहता है, तो उसके दोस्त उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कभी सक्कू, कभी भक्कू, कभी झक्कू। इसलिए अब भैया बहन भी इस कविता को पढ़ेंगे और याद करेंगे और सुंदर लेख में अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद भैया बहनों। कक्कू कविता से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें दिन भर रोना नहीं चाहिए, कोई हमें चिढ़ाता है तो हमें मुंह नहीं बनाना चाहिए, कोई ठिठोली करता है मजाक करता है तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें झगड़ालू नहीं होना चाहिए, हमें अच्छे से सबसे बात करनी चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए।